दोस्तों एक परिवार रहता है जिसमें सिर्फ चार सदस्य रहते हैं, माँ बाप और एक भाई और एक बहन। माँ और बाप दोनों घर चलाने के लिए बाहर काम करते हैं और अपनी कमाई का आधा से ज़्यादा हिस्सा बच्चों की परवरिश में खर्च कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। यहाँ तक कि आजकल के युग में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल भी दिए जाते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल भी एक शिक्षा का बहुत ही अच्छा माध्यम बन चुका है। दोस्तों कहते हैं हर चीज़ें जितनी ही लाभदायक होती हैं उतनी ही हानिकारक होती हैं। तो दोस्तों कहानी ये है कि माँ बाप जब चले जाते हैं जॉब पर, भाई बहन रहते हैं घर पर जो अपनी पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई का माध्यम उनका भी एक मोबाइल ही होता है जो कि माँ बाप ने इनको दिया था। लेकिन कम पैसा होने की वजह से एक ही मोबाइल से भाई बहन दोनों का अपना काम चलाते हैं। भाई को ज़रूरत होती है तो भाई मोबाइल ले लेता है, बहन को ज़रूरत होती है बहन मोबाइल ले लेती है, और कभी कभी अगर दोनों को ज़रूरत रहती तो एक ही डिस्प्ले में दोनों अपनी चीज़ें देख लिया करते थे। लेकिन दोस्तों मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते यानी कि अपनी शिक्षा की चीज़ें ढूंढते ढूंढते मोबाइल में सबके साथ ऐसा होता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम नहीं पसंद करते हैं। ऐसा उनके साथ भी होता है। एक दिन एक एडल्ट वीडियो उनके सामने आ जाती है और भाई उस वीडियो को देखता है और उस वीडियो की तरफ आकर्षित होता है, और जब आकर्षित होता है तो बहन पूछती है भैया क्या है तुम देख रहे हो। पहले तो भाई कतराता है लेकिन फिर बहन के जोर जबरदस्ती करने पर वो बहन को भी दिखाता है, और दोस्तों दोनों भाई बहन उस वीडियो के आदि हो जाते हैं। और वो लोग पर डे माता पिता के जाने के बाद मोबाइल में प्रोन वीडियो देखा करते थे, और प्रोन वीडियो देखते देखते दिमाग में ऐसा उनका घर बन जाता है कि दोनों जो सीन वीडियो में चल रहा होता है उस सीन को लोग रियल में करने लगते हैं, और दोनों भाई बहन हम बिस्तर हो जाते हैं और एक दूसरे पर नछावर हो जाते हैं। मैं कह नहीं सकता हूँ, ब्लॉग वीडियो में आप लोग समझ सकते हैं। और इस चीज़ की भनक माँ बाप को तनिक भी नहीं लगती है, और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक भाई बहन की रंगरलियाँ चलती रहती हैं। अंततः पिता को कब पता चलता है, माँ को कब पता चलता है, जब बेटी प्रेग्नेंट हो जाती है। और ये घटना सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल होती है जो समाज को बहुत ज़्यादा शर्मसार करती है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को यहीं पर द एंड करते हैं, और इसी से मिलती जुलती एक खौफनाक कहानी आपके सामने लेकर के आएंगे जो रिश्तों को शर्मसार करती है, रिश्तों के ऊपर उंगलियां उठाती हैं, और साथ साथ दोस्तों समाज में ये भी मैसेज फैलाती है कि हम किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर विश्वास ना करें। दोस्तों ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मात्र एक साल पुरानी कहानी है, 24 अप्रैल 2023 की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है रीवा, और रीवा में एक थाना पड़ता है जवा। जवा थाना के अंतर्गत एक गांव है, और उस गांव में एक परिवार बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीता है। पिताजी जॉब करते हैं, माताजी हाउसवाइफ रहती हैं, तीन बहनें रहती हैं, एक भाई रहता है। तीन बहनों की उम्र दोस्तों क्रम से मान के चलिए 18 साल, 15 साल, और एक सबसे छोटी बहन जिसकी उम्र 9 साल, और एक भाई जिसकी उम्र 13 साल। आराम से ये परिवार हंसी खुशी मस्ती से जीता खाता था, पिताजी बाहर कमाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या होता है, एक दिन सुबह पिताजी ड्यूटी पर जाते हैं, और उनकी ड्यूटी पर जाने के बाद बाकी के घर के लोग जब उठते हैं तो आंगन में देखते हैं जो सबसे छोटी उनकी बेटी होती है 9 साल जिसकी उम्र होती है, उसकी लाश बरामदे में पड़ी होती है। चीख पुकार मच जाती है, पूरा कोहराम मच जाता है, पूरा घर रोने गाने लगता है, अगल बगल के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और बहुत रोते हैं धोते हैं। और इसी घटना के बीच में तब तक कोई पड़ोसी 100 नंबर को फ़ोन कर देता है, 100 नंबर वहां पर आती है, और 100 नंबर के पूछने पर घर वाले कहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, और जहां तक हमें अंदेशा है कि मेरी बेटी को किसी सांप ने या किसी जहरीले कीड़े ने किसी ने काट लिया है, इस वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता है, पुलिस क्या करती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जैसे ही दोस्तों 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, पुलिस के होश उड़ जाते हैं, घर वालों के होश उड़ जाते हैं, अगल बगल वालों के होश उड़ जाते हैं कि एक 9 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार करके उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई। और जब ये सूचना घर वालों को मिलती है, घर वालों के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, आखिर मेरी 9 साल की बेटी के साथ ऐसा घिनौना कर्म किया किसने। पुलिस इस घटना की पूरी तरह से छानबीन करती है, जांच करती है, लेकिन उसको कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिलता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक घटना थी, बहुत ही क्रूर घटना थी, इसलिए इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए यानी कि इस घटना को, ये घटना किसने की, उस गुनहगार को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देती है। लेकिन फिर भी पुलिस के हाथे कोई सबूत नहीं लगता है। अंत में थक हार कर वहाँ के जो SP होते हैं विवेक सिंह, वो एक SIT टीम गठित करते हैं, और जिस टीम को इस घटना की जाँच के लिए लगा दिया जाता है, और टीम पूरी घटना की जानकारी लेती है। यहाँ तक कि उस लड़की से करीबी जितने भी लोग थे, अगल बगल गांव के दोस्त मित्र स्कूल, हर जगह कई सैकड़ों लोगों से पूछताछ करती है। और दोस्तों
होता क्या है, एक महीना बीत जाता है तब भी कहीं से कोई सूचना नहीं मिलती है, और धीरे धीरे ये खबर मीडिया में फैल जाती है, सोशल मीडिया में फैल जाती है, न्यूज़पेपर में, हर जगह ये खबर जब आने लगती तो पुलिस के ऊपर और दबाव बनने लगता है, जनता पब्लिक उग्र होने लगती है, पुलिस को समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। इसके बाद एक महीने के बाद पुलिस जो है फिर से इस घटना की छानबीन करती है, अंततः 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद सोशल मीडिया से, राजनेताओं से और पब्लिक के जोर से पुलिस के हाथ पैर सूज जाते हैं इस घटना को, लेकिन कोई भी इस घटना का सुराग नहीं मिल पाता है। अंततः पुलिस फिर से पूरी जी जोर से, पूरे जान से इस घटनाक्रम के इस रहस्य को सुलझाने के लिए लग जाती है, और दोस्तों वो दिन आ जाता है जिस दिन इस घटना का खुलासा हो जाता है, और वो दिन होता है दोस्तों पूरी घटना से 3 महीने बाद, यानी कि 26 जुलाई 2023 को इस घटना का खुलासा होता है। और खुलासा क्या होता है दोस्तों, एक बार सुनेंगे तो आप भी जानने सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों होता है क्या है कि जो सबसे छोटा लड़का, यानी कि जिसकी उम्र 13 साल होती है, और जो अपने पिता से आग्रह करता है कि मुझे मोबाइल चाहिए पढ़ने के लिए, और उसके पिता खुशी खुशी उसको मोबाइल दे देते हैं कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा अपना नाम रोशन करेगा, लेकिन उनको क्या पता था कि मेरा बेटा ऐसा करेगा। उसके साथ भी यही घटना होती है, मोबाइल में वो अपनी शिक्षा की चीज़ें ढूंढते ढूंढते, अपनी एजुकेशन से जुड़े सवालों को ढूंढते ढूंढते उसके सामने एक एडल्ट वीडियो आता है, उस एडल्ट वीडियो को देखता है और उसको मज़ा आता है, और धीरे धीरे दोस्तों वो उस वीडियो का आदि हो जाता है। सारा दिन ऐसा रहता है कि बिना मोबाइल के उसका खाना पीना तक नहीं होता, यहाँ तक कि बाथरूम जाता है तो भी वो मोबाइल लेकर के ही जाता है, और घर वाले जब उसको मना करते हैं तो वो एक ही शब्द कहता था कि मैं मोबाइल से पढ़ाई करता हूँ। और वो पढ़ाई क्या करता था, वो सिर्फ ब्लू फिल्में देखा करता था। और एक दिन होता ये है दोस्तों, रात में वो ब्लू फिल्म देख रहा था, ब्लू फिल्म देखते देखते उसके दिमाग में एक शैतान जागता है और उसको कुछ नहीं नज़र आता है, उसको सिर्फ नज़र आती है तो 9 साल की अपनी मासूम बहन। अब दोस्तों गौर करने वाली बात है, लड़के की भी उम्र 13 साल है और उसकी बहन की उम्र 9 साल है, और जब दोनों बच्चे एक ही कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, माँ बाप अलग कमरे में सोए थे, बहनें अलग कमरे में सोई थी, और उस लड़के के दिमाग में जब शैतान हावी हो जाता है तो क्या करता है, मोबाइल में घट रही घटनाओं को देखता है, मोबाइल में चल रहे वीडियो को देखता है, और सेम वैसा ही कृत्य वो अपनी बहन के साथ करने की कोशिश करता है। लेकिन उस कहानी से इस कहानी में उलट फिर दोस्तों ये था कि उस कहानी में भाई बहन दोनों राजी से एक दूसरे संबंध बना रहे थे, लेकिन इस कहानी में बहन को पता ही नहीं था ये होता क्या है, लेकिन फिर भी वो लड़का ज़्यादा जोर जबरदस्ती करता है, बहन को मारता है, पीटता है, और सेम वही घिनौना कर्म करने की कोशिश करता है और कर भी देता है, अंततः हो भी जाता है। और उसके बाद जब बहन रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, तो भाई उसका गला दबा के मारने की कोशिश करता है। उस दौरान चीख पुकार सुन करके बाकी अलग कमरे से उसकी माँ दौड़ करके आती है, उसकी बहनें दौड़ करके आती हैं और देखती हैं कि एक भाई अपनी बहन को मार रहा है और गला दबा रहा है, बहन की सांसें रुक जाती हैं। माँ आती है, पूछती बेटे से, बेटा तूने ये क्या किया, और बेटे से पूछ ही रही थी तब तक माँ अपनी बेटी की तरफ देखती है तो बेटी की सांसें चल रही थी, और बेटा सारी कहानी डिटेल में अपनी माँ को बता देता है। और जब अपनी माँ को बता देता, कहते हैं दोस्तों माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन इस कहानी में एक माँ ने भी बहुत ही घिनौना काम किया, जब उस माँ के सामने उसकी बेटी की सांसें चल रही थी, लेकिन उस बेटी ने अपने बेटे से कहा, बेटा अगर तेरे बाप को पता चलेगा तो तेरा बाप तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत ही बदनामी होगी, अब तू इसको मार ही डाल। और अपनी माँ की बात सुनकर के बेटे को और बल मिलता है और बेटा बहुत ही बेरहमी से अपनी बहन का गला दबा देता है और उसकी बहन हमेशा के लिए सो जाती है। और उसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को ले जाकर के बरामदे में फेंक देते हैं, और सुबह जब कोहराम मचता है, गांव वाले जानते हैं, रोना धोना, ये लोग झूठ का मगरमच्छ के आंसू रोते हैं, तो सबके सामने ये क्या बातें रखते हैं कि मेरी बेटी को सांप स्नेक बाइट हुआ है। लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम के द्वारा, कानून के द्वारा इस घटना का खुलासा होता है, कानून के मुताबिक चारों लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, चार्जशीट तैयार की गई है और कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दी जाएगी। लेकिन दोस्तों उस बाप का क्या, जो बाप रो रहा है, उसकी बेटी भी गई, उसका पूरा परिवार चला गया, किसकी वजह से, एक मोबाइल की वजह से और एक गंदी सोच रखने वाली माँ और भाई की वजह से। दोस्तों इस घटना को सुनकर के मेरा दिल दहल जाता है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। कैसे कोई किसी के ऊपर विश्वास करे, कौन से रिश्ते पर विश्वास किया जाए, कैसे कोई माँ के ऊपर विश्वास करे, कैसे कोई भाई के ऊपर विश्वास करे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से पूरा समाज गंदा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।